जैसे ये स्टार्ट करते हैं, आप लगा के देखो, इनफाइनाइट वायर है, आई टू करंट है, इनफाइनाइट वायर है, आई वन करंट है, और आपको 90 डिग्री पे गिवन है। इस वायर से परपेंडिकुलर बी डिस्टेंस दूर यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस वायर से ए डिस्टेंस दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, राइट? तो आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है इस वायर और इस वायर की वजह से, ठीक है? तो आप एक काम करो, पहले आई वन का रिजल्ट लगाओ, फिर आई टू का लगाओ, ठीक? सोचो एक बार कैसे लगेगा, डायरेक्शन भी सोचो। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप ये इनफाइनाइट वायर लेते हो, इस इनफाइनाइट वायर से ए दूरी पे इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट क्या है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई 1 बाय ए, डन, लगा दिया फॉर्मूला। फिर दूसरी इनफाइनाइट वायर है, इस इनफाइनाइट वायर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी पे फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई 2 बाय बी। ये भी क्लियर है यहाँ तक? क्या आ गया यहाँ पर, बी 1 बी 2 आ गया यहाँ पर। तो अब इसमें इस वायर की वजह से बी की डायरेक्शन देख लें, क्योंकि इसमें करंट ऊपर है, क्योंकि इसमें करंट ऊपर है तो थंब को करंट के साथ रखना है, और पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, इनसाइड, थंब ऊपर इनसाइड, और यहां पर करंट कहां पर है, राइट है, तो कहां पर है, आउटसाइड, तो इसकी वजह से इनसाइड, इसकी वजह से आउटसाइड, चेक करो इनसाइड आउटसाइड। अब क्योंकि बी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एक वैल्यू इनसाइड है एक आउटसाइड, तो नेट बी क्या होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब क्योंकि बी गिवन है ए से कम है और आई वन आई टू के बराबर है, अगर बी कम है, आई वन आई टू बराबर कह रहे हैं, अगर बी कम है तो ये बी टू क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा है तो बी टू बड़ा, तो नेट आंसर क्या आएगा, बी टू माइनस बी वन, और क्योंकि बी टू आउटसाइड है तो नेट आंसर भी कहाँ आएगा, आउटसाइड। तो क्लियर है यहाँ तक? तो आज ये गेम तो वेक्टर में खेल देनी है, फॉर्मूला तो स्टैंड वो पता ही है, कुछ भी नहीं करना फॉर्मूले में, डायरेक्शंस थंब से निकाल देनी है, एंड में वेक्टर सम चलेगा। जैसे इन दो वायर्स में लगाओ, एक बार खुद लगाओ, इसके अंदर एक बार खुद सोचना है आपने, दो इनफाइनाइट वायर गिवन है, राइट? ये देखो दो इनफाइनाइट वायर गिवन है, ये रही 20 सेंटीमीटर पार्ट है, तो एक में करंट ऊपर 20, एक में नीचे 30, आपको पहला केस यहां पे पी पॉइंट पर बी निकालना है, क्या होगा निकालो, ठीक? पहले वैल्यू लिखो, इस करंट ने यहां कितना बी लगाया, उस करंट कैरिंग वायर ने यहां कितना बी लगाया, और फिर डायरेक्शन लिखो, फिर देखो कैसे नेट वेक्टर सम निकलेगा।
देखो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इस वायर को देखते हैं, ये जो वायर है, ये जो वायर है और इसमें 20 एम्पीयर का करंट है, तो ये कितना बी लगाएगा? इनफाइनाइट वायर है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। ऐसी ये वायर म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 30 अपॉन 30 सेंटीमीटर, तो मैग्नीट्यूड तो आ ही जाएगा इसमें। तो यहाँ पर आप चेक करो, मैंने यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पी पॉइंट पर 20 एम्पीयर वाला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू आई बाय आर और 30 एम्पीयर वाला म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 30 बाय 30 मीटर में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है, यहाँ पर करंट ऊपर है तो थंब इस तरफ, तो यहाँ पर थंब ऊपर तो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? आउट। यहाँ पर करंट नीचे है तो फिंगर अगर बड़ी होती तो कैसे आता? इनसाइड, राइट। अब एक प्रॉब्लम बताता हूँ मैं, एक प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट को, मेरे को वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है और आपको कैसे करनी है। मान लो एक प्रॉब्लम आ गई, क्या प्रॉब्लम आई? जब मैं यहाँ खड़ा था तो मैंने इस वायर की वजह से डायरेक्शन निकाली, मैंने कहा थंब इधर आउट, ओके। जब उसकी बारी आई ना तो मान लो मैं अपनी जगह चेंज ही नहीं की, मैंने यहीं खड़ा रह गया, फिर मैंने अपना हाथ इधर किया, फिर मैं सोच रहा हूँ यार मेरी फिंगर घूमेंगी, देख रहे हो प्रॉब्लम, देख रहे हो, तो मैंने अपनी जगह क्या कर ली? चेंज। तो मेरे को अपनी बॉडी को मोड़ना नहीं पड़ा। अब बहुत लोग ऐसा नहीं करते, कई लोग मेरी तरह क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा होते दिखेंगे वहाँ पे ना सीट पे, बहुत लोग देखना को टेढ़ा हो रहा है, को गिर रहा है दूसरे के ऊपर की, क्योंकि पोजीशन चेंज करनी है ना। भैया आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, रिलेटिव मोशन सुने आपने, या तो आप स्क्रीन घुमा लो या आप खुद घूम जाओ। यहाँ पर स्क्रीन तो घुमा नहीं सकता, तो मैं घूम रहा हूँ, आप क्या करेंगे? ये कॉपी है ना, आपको मुड़ने की जरूरत थोड़ी ना है, ये आपने ऐसे रखा और आपको थोड़ा मुश्किल आ रही है घूमने, यार कॉपी ऐसे कर लो, आप लोग को क्यों घुमा रहे हो, क्यों कष्ट कर रहे हो, यहाँ रखो आंसर, आंसर तो अपने आप को नहीं घुमाओ। बहुत लोग मैं देख भी रहा हूँ अपने हाथों को इस तरीके से घुमा रहे हैं, क्यों घुमा रहे हैं? कॉपी घुमा लो यार, तुम क्यों घूम रहे हो, कॉपी घुमाओ, देखो एक मिनट में फिंगर इनसाइड। तो पॉइंट समझ में आया, और आधे लोग तो पूरे महीने अपने आप को घुमा घुमा के अपने क्वेश्चन भी गलत कर लेंगे, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा हो नहीं रहा था, मुझसे डायरेक्शन निकल नहीं रही थी। तो समझ में आया आपने क्या करना है? मैं नहीं ऐसा करूँगा, मैं अपनी पोजीशन चेंज करूँगा, मैं स्क्रीन नहीं घुमा सकता, अगर ये कॉपी होती मैं इसको घुमा देता, क्लियर है यहाँ तक, फिर मैं क्यों घूमता? तो पॉइंट समझ में आया कैसे करना है। अब जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर निकालना है? क्यू पे, और अगर क्यू पे निकालना है तो ये करंट कैरिंग वायर यहाँ पर भी क्या लगाएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 20 बाय 10, और ये क्या लगाएगी? म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इंटू 30 बाय 10। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर करंट ऊपर है तो क्यू पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इनसाइड। यहां पे करंट नीचे है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? इनसाइड। अरे ये भी इनसाइड, ये भी इनसाइड, तो इनसाइड इनसाइड दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे? इन द एंड एड। तो वेक्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आपको इस पूरे चैप्टर में पूरा फील आएगा कि आधा काम तो सिर्फ वेक्टर कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही रहे मैग्नेटिक इफेक्ट में, बस मैग्नेटिक इफेक्ट तो फॉर्मूला बता देगा, वो फॉर्मूला यूज कर लो, बाकी सारा काम या तो थंब रूल करेगा या फिर वेक्टर करेंगे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक। इन केस ऑफ आर, आर की डायरेक्शन में ये करंट नीचे तो आउटसाइड, और अगर इधर आएंगे तो इनसाइड। हाँ, आर में एक डायरेक्शन इनसाइड और एक डायरेक्शन आउटसाइड, तो माइनस होगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी, राइट। कभी कभी इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे आ जाती है, तो काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये जो करंट कैरिंग वायर्स हैं, ये करंट कैरिंग वायर्स हैं, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि डॉट और क्रॉस तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी है कि ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट बाहर आ रहा है, डॉट का मतलब बाहर आ रहा है, तो एक करंट कैरिंग वायर में डॉट का मतलब करंट बाहर आ रहा है और क्रॉस का मतलब करंट, ये ऐसा डायग्राम है। तो इमेजिन करो पेन रखेगी, ये केस है, क्लियर है। वो भी बेचारा क्या करेगा, बाहर कैसे देगा आपको वायर, आपको क्या करेगा, डॉट और क्रॉस लगा देगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये करंट कैरिंग वायर्स हैं। तो करंट कैरिंग वायर में करंट इसमें बाहर आ रहा है, इसमें अंदर जा रहा है, और वो क्या कह रहा है, इस केस में ये करो, यहाँ पे लिखो एक्स, आर काट के लिखो एक्स, करेक्शन करो,
यहाँ पर आर की जगह एक्स करो, तो गिवन एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, आपको आर निकालना है, आपको इसमें आर निकालना है, एक्स की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, ताकि नेट मैग्नेटिक फील्ड आर पॉइंट पे जीरो हो जाए, इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाए, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक। देखो रूल नंबर वन, एक बात बताओ, अगर मैं इस वायर की बात करता हूं, इस वायर से आर पॉइंट की दूरी कितनी है, आर प्लस एक्स, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई 1 बाय आर प्लस एक्स, और सेकंड वायर से वो दूरी कितनी है एक्स, तो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई 2 बाय एक्स। डायरेक्शन मेन गेम प्ले करेगा इसमें, कैसे, इसमें करंट कैसे है, आउटसाइड है, इसमें करंट आउटसाइड है तो आउटसाइड। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकलेगा, मैं फिंगर को ऐसे घुमाऊंगा, नहीं घुमाया जा रहा कोई बात नहीं, इधर आ जाता हूँ, तो आउटसाइड है, यहाँ पर फिंगर कैसे जाएंगी, अपवर्ड्स, है ना, क्योंकि आप सोचो ना, इमेजिन करो कि अगर आउटसाइड है तो मेरी फिंगर्स कुछ ऐसे गोल घूमेंगी यहाँ पे, चेक करो ऐसे, और जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो टेंजेंट कहाँ आएगा, अपवर्ड्स, ऐसे केस बनेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बनेगा, वहाँ पर अपवर्ड्स, क्लियर है। और अगर ये क्रॉस है, क्रॉस का मतलब करंट कहाँ पर है, इनसाइड, तो मेरी चार फिंगर कैसे घूमेंगी यहाँ पर, ये मेरी फिंगर्स हैं और यहाँ पर नीचे घूम रही है फिंगर, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे कहाँ आएगा, नीचे, तो एक वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर, एक वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे, कोई डाउट। तो वो क्या कह रहा है कि बी वन ऊपर बी टू नीचे, और नेट वैल्यू क्या आएगी नेट फील्ड की, जीरो। तो बी वन बी टू की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वल, तो बी वन और बी टू को इक्वल करेंगे, तो ये क्या आपके पास बी वन, ये क्या आपके पास बी टू, तो यहां पर करंट की वैल्यूज गिवन है, आपको इसमें एक्स की वैल्यू भी गिवन है, आर कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो कॉन्सेप्ट समझाया कि कैसे नेट भी जीरो करके आर आएगा, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको यह गिवन है कि एक स्क्वायर है, ठीक है, हम ये क्वेश्चन यहां पे करते हैं, जैसे एक स्क्वायर गिवन है, ये रहा आपका एक स्क्वायर, बोलो, इनफाइनाइट वायर्स हैं, इनफाइनाइट वायर्स हैं, लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी है, 2a है, इसके अंदर आई अमाउंट ऑफ करंट है, कुछ इस तरीके से आई अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है ऐसे, ये लो, ठीक है। आपको इसके सेंटर पे नेट बी बताने क्या होगा, इसके सेंटर पे बी की वैल्यू क्या होगी, आप इस क्वेश्चन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर लें, वायर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक, 1, 2, 3, 4, तो आप फर्स्ट वायर की वजह से पहले बी निकाल लें, फिर सेकेंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। तो ये सबको मालूम है कि आपकी जो फर्स्ट वायर, ये फर्स्ट वायर है, मान लो फर्स्ट वायर है, इसने इसके, अगर हम लोअर एंड की बात करते हैं, लोअर एंड ने यहां पे एंगल क्या बनाया, 45, और अपर एंड ने एंगल क्या बनाया यहां पर, 45, तो लोअर एंड ने एंगल बनाया 45, अपर एंड ने एंगल क्या बनाया, 45, क्लियर है यहां तक, ठीक। तो आपको इसमें क्या निकालना है, बी निकालना है इस वायर की वजह से, तो B की वैल्यू निकालो इस वायर की वजह से, म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्या फॉर्मूला, आई डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस कितना है, अगर ये 2a है तो ये डिस्टेंस कितना है, a है, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय a, साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45, क्लियर है यहां तक, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय a, साइन 45 प्लस साइन 45, राइट, ठीक। और डायरेक्शन कहां पर होगी इसकी,
करंट क्योंकि नीचे है तो बी कैसे आएगा, आउटसाइड। तो यहाँ पर ये फर्स्ट वायर है और फर्स्ट वायर का बी का जो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट आई बाय ए इंटू साइन 45 प्लस साइन 45। तो कैसे आएगा इसमें, आउटसाइड। एक काम करते हैं, अब सेम रिजल्ट निकालते हैं वायर नंबर 2 के साथ। जो वायर नंबर 2 है राइट, जो वायर नंबर 2 है अगर हम उसकी बात करें तो वायर नंबर 2 में ये इसका परपेंडिकुलर क्या बनेगा, डिस्टेंस। फिर से ये एंगल कितना है 45, ये एंगल कितना है 45। तो वायर नंबर 2 में बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डिवाइडेड बाय ए साइन ऑफ 45 प्लस साइन ऑफ 45। क्लियर है यहां तक, डायरेक्शन बोलो कहां होगी, क्योंकि करंट कहां है राइट, तो बी की डायरेक्शन कहां होगी, आउटसाइड। करंट इधर तो बी आउटसाइड, तो यहां पर क्या आएगा, आउटसाइड। कोई डाउट इसमें, आ रहा हूं आप एक बार, ऊपर में पिछली फिगर में कि इसमें, आ रहा हूं यहां तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आउटसाइड, इसमें आउटसाइड, सिमेट्री है ना, तो जो बी इस वायर का होगा वही इसका, वही इसका, वही इसका, तो बी वन बी टू बी थ्री बी फोर की वैल्यू एग्जैक्टली क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसमें डायरेक्शन कहां आएगी, आउटसाइड, और इसमें डायरेक्शन कैसी आएगी, आउटसाइड। देखो ना, इसमें भी आउटसाइड, फिंगर ऐसे आउटसाइड। तो आप चेक करो, मैंने एग्जैक्टली यही किया कि बी वन बी टू बी थ्री बी फोर सब बराबर, और बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बराबर सारे आउटसाइड हैं, तो वेक्टर सम क्या होगा, इन सबको ऐड कर दो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आउटसाइड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। पिछले क्वेश्चन के अंदर बोलो, पिछले क्वेश्चन में ये ओके, पिछले क्वेश्चन में कहां निकालना है मुझे, बी कहां निकालना है, पॉइंट बोलो, पी क्यू की आर पे निकालूं, आर पे करंट का है नीचे, आर में आउटसाइड, और इसमें करंट का है ऊपर, तो आर में इनसाइड, करंट ऑपोजिट है। क्लियर है यहां तक, ठीक। इस क्वेश्चन में क्या निकालना है आपको, कि मान लो फिर से दो वायर्स गिवन है, पहली वायर क्या गिवन है, ये गिवन है, और दूसरी वायर क्या गिवन है, ये गिवन है, और ये वायर्स बोर्ड के अंदर और बाहर है, मींस करंट इसमें कहां आ रहा है, आउटसाइड, इस वायर में करंट कहां आ रहा है, इनसाइड, और ये इनफाइनाइट वायर्स है। क्लियर है यहां तक, तो करंट आउटसाइड है, करंट इनसाइड है, और दो वायर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए। इन दो वायर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ए। कोई डाउट इसमें, तो आपको ये एक क्वेश्चन में गिवन है, ये एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आर और आर इसकी वैल्यू बराबर है, आपको गिवन नहीं है मैंने लिया आर, ये 90 डिग्री गिवन है, आपको सिर्फ ए गिवन है। हाँ, अगर आपको ए गिवन है 90 गिवन, तो आर कैन बी कैलकुलेटेड, पाइथागोरस ए स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, आर इज इक्वल टू ए बाय रूट टू। क्लियर है यहां तक, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, ए बाय रूट टू। कोई डाउट इसमें, गिवन होगा, गिवन क्वेश्चन में गिवन है सारा, आर ने गिवन होगा, आर मैंने खुद लिया, आर निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ ए, क्योंकि आंसर इन टर्म्स ऑफ ए निकालना है। तो अब क्योंकि ये वायर इनफाइनाइट है, तो वन नंबर जो वायर है और करंट दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो इनफाइनाइट वायर का रिजल्ट क्या लगेगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, फर्स्ट वायर का भी और सेकेंड वायर का भी, तो बी वन बी टू दोनों में बराबर है। मेन है डायरेक्शन, डायरेक्शन में देखो, डायरेक्शन में क्या होगा कि इसमें करंट कैसे है, बोर्ड के अंदर, थंब राइट हैंड बोर्ड के अंदर, ये मैंने अपनी चार ये फिंगर्स घुमाई, ये मेरी फिंगर्स हैं, तो इसके ऊपर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस वायर का बी आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करते हैं, यहां पर करंट कहां है, बाहर, तो थंब कहां पर है, बाहर, थंब अगर बाहर है तो ये मैं चार फिंगर ऐसे घुमाऊंगा, ये ऐसे घूम गई फिंगर्स, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो बी टू इस तरफ आएगा। तो आप चेक करो, इसके इसमें करंट कैसे है, इनसाइड, तो ये डॉट 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 क्या है, मेरी चार फिंगर्स ही तो जो घूम रही हैं, और ऐसे ही इसमें करंट का है, बाहर, तो ये फिंगर्स कैसे हैं, ऐसे हैं, तो इसके ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इस वन नंबर वायर का बी आ जाएगा, यहां पर बी टू आ जाएगा, और दोनों आपस में 90 डिग्री पे हैं, तो नेट आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस
बी टू स्क्वायर, बी तो बराबर ही है बी वन, बी वन पुट करके रूट टू बी, बी वन निकाल चुके आंसर। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप इसमें देखेंगे जब आप बाइट सर्वेट लॉ की एप्लीकेशन नंबर वन में काम करेंगे। क्या चल रही है? बाइट सर्वेट लॉ की एप्लीकेशन नंबर वन, जिसमें एक फाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से हम बी निकाल रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं एप्लीकेशन नंबर टू। अब प्रॉब्लम क्या है? एप्लीकेशन नंबर जो टू है ना, या आप ऐसे बोलें, हमने जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाली अभी जो हम केस कर रहे थे, वो सिर्फ स्ट्रेट वायर के लिए एप्लीकेबल है। वायर तो आर्क भी हो सकती है, सर्कल भी हो सकता है, सेमी सर्कल हो सकता है, क्वाड्रेंट की तरह कुछ भी हो सकता है। तो उसका और करंट कैरिंग मान लो वायर है, उसका भी निकलेगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स में याद करो ऐसे दो फॉर्मूले थे, स्ट्रेट वायर के अलग थे, आर्क के अलग थे।